उसने हमसे अभी फैब्रिक चेंज करते जी। तब हमने सिल्क फैब्रिक को यूज करना शुरू किया, कसर सिल्क, मूंगा, मटका, संदेरी, सब में हमने साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे बनाए। तो हमने सोचा अब इनको देखेगा कौन, तब हमने सोचा एक क्यों ना फैशन शो किया जाए। लेकिन फैशन शो होता है क्या है, कहाँ करते हैं, नहीं पता था। फिर हमें पता चला कि राजस्थान में एक बड़ा फैशन शो हो रहा है, उसमें जाके ट्राई करते हैं। तो उनको हमने बोला कि हम फैशन शो करना चाह रहे हैं। हमें बोला कि आप यहाँ पे तो बड़े डिजाइनरों का फैशन शो हो रहा है, आप कहाँ फैशन शो कर पाओगे। लेकिन हमने बोला हमें एक बार मौका दे के देखिए, हम भी कोशिश करेंगे। फिर हमें वहाँ पे मौका मिला, लेकिन अब कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, कैसे बनाएंगे कपड़े वो भी नहीं पता था। किसी और से हेल्प मांगी जो अच्छे खासे डिजाइनर है, तो उन्होंने बोला आपका लेवल फैशन शो करने का नहीं है, आपका फील्ड का लेवल है, आप वहीं करिए, यही काम करिए। फिर हमें लगा नहीं, अब खुद को ही कुछ करना होगा। बैठ गए लेके कुछ नेट से ढूंढा, कुछ कहीं से ढूंढा, ऐसे करके हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिए। फैशन शो का टाइम आ गया, अब हमारा ये भी टाइम आ गया कि अब रैंप पे चलेंगे। दिल धड़क रहा था। ये रैंप पे चलना एक अपने आप में कला है, कैसे किया आपने ये सब रुमा जी? मैंने तो सर मॉडल्स को देख के ही किया, मुझे किसी ने रिहर्सल भी नहीं करवाया। एक ही बार हुआ है ये आपके जीवन में या कई बार आप गए हैं रैंप पे? रैंप वॉक पे तो हम कई बार गए हैं, और मेरे आर्टिजन भी रैंप वॉक किया है मॉडल्स के साथ में। अच्छा, जिन्होंने कभी बाड़मेर शहर नहीं देखा था लेकिन उन्होंने रैंप वॉक किया है। वाह वाह, क्या बात है। ये जितने भी आप पदार्थ बनाते हैं ये कैसे जाता है यहाँ? क्योंकि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होते होंगे जो तय करते होंगे कि हमें ये कपड़ा चाहिए या ये डिजाइन चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ से कपड़ा खरीदना होता है वहाँ जाके कपड़े खरीदते हैं, फिर उसको कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है वो भी करते हैं। अब कौन सी थीम जाएगी, कौन सा कलर जाएगा, जैसे आप राजस्थान आए थे एक ही दिन में आपने 3 ड्रेस चेंज की थी। जयपुर गए तो आपके पिंक पहना हुआ था, और जोधपुर गए तो आपको ब्लू पहना हुआ था, और उदयपुर गए तो आपने व्हाइट पहना था। तो हमें आपको कैसे मालूम है सर? क्योंकि हमें भी तो फैशन पहना था ना, तो कैसे लोगों का कलर यूज करते है। क्या बात है, वेरी अपडेटेड। जी हम बताना चाह रहे हैं कि आपने कढ़ाई की कला जो है वो तो सीखी, इतनी सारी बुद्धि आपको कहाँ से मिली? ये भी सोच लिया, ये भी सोच लिया, ये नहीं हो रहा तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये और आपकी शिक्षा जो आपको रोक दिया था 8वीं कक्षा तक। हालात ही ऐसे थे जो सोचने को मजबूर करते हैं जी। जो काम इन्होंने किया है उसके लिए आई थिंक बुद्धि के साथ साथ जिगरा भी चाहिए होता है जो इनके पास है। तो रोमा जी बहुत जल्दी हम आपको ये खेल के नियम समझा दें। तो सबसे पहले रोमा जी यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का धनालय है ये। उसकी शुरुआत होती है 1,000 रुपए से, फिर 2, फिर 3, और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहां पर जाने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर पहला पड़ाव जो कि 10,000 रुपए का है, दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो एकदम चोटी का प्रश्न होता है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक ये घड़ीमान जी सुन रहे हैं, ये टिक टिक करते जाएंगे, 45 सेकंड देंगे आपको। उसके बाद 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद समय समय आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। एक पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता जो है इनसे आप प्रश्न पूछ सकती है। दूसरा है 50-50, 2 जो गलत विकल्प है, गलत ऑप्शन है वो मिट जाते हैं और 2 बचते हैं, उनमें से 1 सही होता है 1 गलत, आपको बताना सही क्या है। तीसरी लाइफलाइन है जो शायद आपको ना पता हो, है फ्लिप द क्वेश्चन, पलट पलट। आपको कहा, आपने कहा कि ये प्रश्न हमको पसंद नहीं आ रहा, इसको बदल दीजिए, तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न लाएंगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारी आज की जो एक्सपर्ट है वो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्वेता झा जी, ये आज तक में काम करती हैं और बहुत ही गुणी है। नमस्कार श्वेता जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद। तो श्वेता जी, आपने देखा कि रूमा देवी जी आज हमारा जो विशेष कार्यक्रम है उसकी ये विशेष अतिथि हैं। बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं आज यहाँ, सोनाक्षी हैं, पूनम जी हैं, तो आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। बिल्कुल अमित जी, बहुत कुछ सुन चुकी हूँ रूमा जी के बारे में, और खास करके 4 लाइनें उनके लिए ही। जिंदगी केवल ना जीने का बहाना, जिंदगी केवल ना सांसों का खजाना,
जिंदगी सिंदूर है प्राची दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। आपने हजारों महिलाओं की जिंदगी में जो सूरज उगाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका श्वेता जी। ओके, अब हम आपको सूचना देते हैं कि हम लोग खेल तभी तक खेलते रहेंगे जब तक कि हूटर नहीं बचता। एक बार हूटर बच गया खेल समाप्त। समझ गए जी? क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? रोहन जी बिल्कुल। ओके, लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हम तैयार हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, इसी तरह हंसते खेलते रहिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है रुमा जी, सोनाक्षी जी, ₹1,000। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नर्सी राइम बाबा ब्लैक शीप में इनमें से किसका उल्लेख है? विच ऑफ दीज फाइंस मेंशन इन द नर्सरी राइम बाबा ब्लैक शीप? ऑप्शन सुनिए, ए सिल्क, बी कॉटन, सी लिलन या डी वुल। बाबा ब्लैक एक है सिल्क, फिर कॉटन, फिर लिनन और फिर आता है वुल। याद है ना? डी वुल। क्या बात कर रहे थे आप आपस में? मैं गाना गा रही थी इनके लिए। अच्छा, गाना गा रही थी इनके लिए। जी। ओके, क्या करेंगे? डी वुल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ₹1,000 जीत गए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, ₹2,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप केर सांगरी खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं? केर सांगरी। सोनाक्षी जी कह रहे हैं क्या है ये? इफ यू आर हैविंग केर सांगरी, व्हाट आर यू एक्चुअली ईटिंग? ऑप्शन देखिए रूमा जी, ए चिकन, बी कैबेज, सी ग्रीन पीस, सी स्पिनच। चिकन, बंद गोभी, हरी फलियां या पालक? पक्का सी हरी फलियां। चोर है? बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये तो। सोनाक्षी आप चोर नहीं? मुझे नहीं पता, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। सुना ही नहीं है और ये मम्मी का कंप्लेन होगा, मैंने कहा था हम कुकिंग सीखो इससे नहीं। क्या करें जल्दी बोलिए। हम यही खाते हैं, सी ग्रीन बीन्स, हरी फलियां। इस पे ताला लगा दें जी? इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह, थैंक यू, बचा लिया। अब मम्मी कहेंगी अगर यही मैं पूछने वाला था पूनम जी, कुकिंग आपने सुना था इसके बारे में? जी बिल्कुल सुना हुआ था जी। सोनाक्षी को आपने नहीं सिखाया? बोलेंगी अब घर जाके नाक कटवा दिया, मैंने कहा था कुकिंग सीखो, तुम कभी किचन में जाती ही नहीं हो इसलिए नहीं पता था ये। कैर सांगरी, सूखे कैर और सांगरी की फलियों से बनी एक मसालेदार राजस्थानी सब्जी है जो विशेष रूप से मारवाड़ के रेगिस्तानी क्षेत्र में खाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं रुमा जी, सोनाक्षी जी, जी। तीसरा प्रश्न, ₹3,000 स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा, एक योग आसन भुजंग आसन के संदर्भ में भुजंग का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड भुजंग मीन इन रेफरेंस टू द योग आसन भुजंग आसन? एक योग आसन भुजंग आसन के संदर्भ में भुजंग का क्या अर्थ है? आपके सामने विकल्प रखता हूं, ए क्रोकोडाइल, बी स्नेक, सी स्कॉर्पियन या डी कैमल। मगरमच्छ, सांप, बिच्छू या ऊंट। ऑडियंस पोल ले ले। भुजंग, भुजंग लाइफलाइन लेना पड़ेगा। लाइफलाइन कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, बहुत जल्दी लाइफलाइन की आवश्यकता पड़ गई है। ऊंट लग रहा है कंप्यूटर जी। हाँ जी, ऊंट लग रहा है, ले लेते हैं लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए। खड़ी मान जी बोलते चले जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। सब लोग बहुत गंभीर दिख रहे हैं, सही उत्तर दीजिएगा इनको जिताना प्लीज, बता दीजिए। एक योग, अच्छा शहर जा रहा हूँ दवाई लेने, उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत? अब देश के छोटे से छोटे शहर में भी डाउनलोड द मेडलाइफ ऐप टुडे। रेलेबल के पैसे गिनती सीखो। सुनिए मैडम पैसे तो मैं भी आई हूं। रेलेबल अब सस्ती हो गई है, अब सब योगा करते हो आप? हाँ ध्यान करते हैं। ये तो स्नेक, ज्यादातर जनता कह रही है बी सांप। ए को मिला है 6%, सी को मिला है 1 और डी आप वोट पे जा रही थी
36% दिया उसने, क्या करेंगे, जनता के साथ जाएंगे, जनता के साथ, जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता जो है वो कह रही है बी, बहुत सारे लोगों ने क्या करें, जल्दी बोलो 6 सेकंड, जनता के साथ लॉक करें बी स्नेक। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। अच्छा मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में भुजंग सांप के लिए कहते हैं, भुजंग आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। सोनाक्षी जी, आपने किया होगा योगासन, कोबरा पोज मालूम है क्या होता है आपको, मालूम है रुमा जी? जी, वो ऐसे वाला। ऐसे हाँ, लेट जाते हैं पेट के ऊपर और फिर दोनों हाथ इधर रख करके यहाँ से अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं, ऐसे एकदम सर्प जैसे दिखता है जी, वहां से सांस छोड़ते हैं फिर नीचे आते हैं। जहर नहीं होता है उस आसन में लेकिन वो सांप की तरह दिखता है, अच्छा ही होता है वो आसन, और कई बार वो कमर के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसे बोलते हैं। अच्छा। एक जमाने में हम भी किया करते थे, फिर कमर जो था वो कमरा हो गया इसलिए नहीं करते। रूमा जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, 22,000 महिलाओं के इन्होंने काम पे लगा दिया है, एक ऐसे स्थान पर जहां पर हमेशा पर्दा रहता था, कहीं ना कहीं बाहर जाना आपके लिए संभव नहीं था, कोई ऐसी घटना घटी रूमा जी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं अब मुझे ये जो प्रथा चल रही है इसको तोड़ना है और अपने भरोसे जाना है और काम करना है? शादी के 1.5 साल बाद में मेरे एक, मैं बाजार जाती हूँ, हर चीज हमारे बच्चों को लिए खरीदती हूँ, किताब कॉपी कपड़े, तो हमारे पति से 1 रुपया नहीं मांगती हूँ। मेरी ज्यादा इनकम हो गई तो मैं इससे मेरे घर का खर्चा चलाती हूँ, मेरी बेटी को स्कूल भेजती हूँ, तो अब मेरे घर वाले वो मेरे को मना नहीं करते कहीं जाने, अब तो मैं दिल्ली जा सकती हूँ, जयपुर, कहीं भी जा सकती हूँ। अभी भी मुझे मना कर रहे हैं ससुराल वाले, फिर भी मैं आगे कोशिश कर रही हूँ, रूमा जी ने हमारा मेरा बहुत सहयोग दिया, मैं तो रूमा जी की बहुत आभारी हूँ। जहाँ भी रूमा जी मुझे बुलाएंगे मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जो रूमा जी की संस्था में काम करने वाली कुछ साथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ सबको। सुगनी देवी जी हैं, कहाँ हैं सुगनी जी, प्रणाम आपको। फिर है सरोज देवी जी, चुन्नी देवी जी, मोहिनी देवी जी, अमरु देवी जी और जेठी देवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम चुन्नी है जी, और मैं ये रूमा देवी मेरी भाभी है। आप बता दीजिए। मेरे लिए रूमा जी तो बहुत ही आभारी रहती थी इनके लिए। मैं रूमा जी ने जो मुझे ये काम दिया इससे मैं मतलब घर में काम करती थी और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों पढ़ाई करते थे, पर इतनी परिस्थिति बदल गई थी कि हमारे पास आर्थिक स्थिति की वजह से कमजोर थी, इसलिए हमारे पास कुछ था नहीं पैसा वगैरह, तो भाई पति भी नहीं पढ़ पा रहे थे और मैं भी नहीं। मैंने कहा मैं कसीदाकारी का काम करके आप पढ़ाई कीजिए, आज इस कसीदाकारी में जो मैं काम करके उनको मैंने पढ़ाया और आज वो रेलवे में नौकरी है और मेरी जीवन बन गया है रूमा दीदी के पीछे। वाह वाह। तो देवी सज्जन आप सुन रहे हैं, पति देव और ये दोनों शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, शिक्षा नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनके पास धन नहीं था कि आगे पढ़ाई कर सकें। एक पत्नी ने कढ़ाई शुरू की ताकि वहां से जो कमाई होगी वो अपने पति देव को शिक्षित कर सके। बहुत ही सुंदर ख्याल आते हैं आपके, बहुत कम महिलाएं इस तरह के सोच में रखती हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। सोनाक्षी बहुत ध्यान से खेलिएगा, आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये, और बहुत सोच समझ कर उसका इस्तेमाल भी कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आज यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी, 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फिल्म को पहचानिए जिसमें ये गीत है। आइडेंटिफाई द मूवी इन विच दिस सॉन्ग अपीयर्स।
Can we have the video, please?